दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ की सामूहिक भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। इस दौरान महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से पुनः आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान जल्द लागू करें। उन्होंने कहा कि मांगों के समर्थन में पूरे हिमाचल प्रदेश में स्नातक स्तर की परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पिछले कई दिनों से बंद है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में प्राचार्य की पदोन्नति, अक्टूबर 2014 से बंद एमफिल एवं पीएचडी की वेतन वृद्धि बहाल करना, प्रोफेसर के पद का सृजन करना और अनुबंध काल को सेवा काल में जोड़ना जैसे मामले शीघ्र सुलझाने चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन वालियाट के साथ नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपने पन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।